भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अंजोरा मंडल में नुक्कड़ सभा कर बिजली के बिल में हो रही लूट का प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। साथ ही 26 नवंबर को विद्युत कार्यालय घेराव की चेतावनी दी। बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी को लेकर हो रही लूट का प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा दुर्ग प्रदेश के आह्वान पर रविवार को अंजोरा मंडल में नुक्कड़ नाटक सभा कर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार सुरक्षा निधि के नाम पर बिजली बिल बढ़ाकर लोगों को लूटने का काम किया है उसे जन जन तक बताया। साथ ही युवा मोर्चा के प्रभारी राहुल भट्ट ने बताया कि इसी मामले को लेकर आगामी 26 नवंबर को अंजोरा बिजली ऑफिस का घेराव किया जाना है, जिसको लेकर अंजोरा मंडल क्षेत्र की जनता से सहयोग मांगा गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंजोरा मंडल सह प्रभारी हिमांशु सिंह, कार्यक्रम प्रभारी राहुल भट्ट, अंजोरा मंडल अध्यक्ष त्रिलोक साहू सहित अन्य उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।